जल्दी से आप लोग कनेक्टेड हों। कनेक्टेड हो जाएं लिंक से। अभी कोई भी नहीं आया है, बाकी लोग जल्दी आए। दो लोग आ चुके हैं, कोई बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें ताकि मैं अपना लेसन प्रॉपरली स्टार्ट कर सकूं। हाँ चलिए, जल्दी से तेज़ी से लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। और भी लोग जो बाकी बचे हुए हैं जल्दी से आएं ताकि हम अपने लेसन को प्रॉपरली स्टार्ट कर पाएं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लेसन नंबर 4, जिसका नाम है टू द कुकू, उसे पढ़ेंगे। ये जो पोइम है कुकू कोयल के को समर्पित करके, एक बड़े फेमस पोइट हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म 1770 में हुआ था और इनकी डेथ 1850 में हुई थी, वॉज बॉर्न एट कॉकरमाउथ, इनका जन्म कॉकरमाउथ में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट द ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्साइड, उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हॉक्साइड के ग्रामर स्कूल में हुई और फिर सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। हिज सीरियस पोलिटिकल एफर्ट एंड इवनिंग वॉक वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड, जब यह 23 साल के थे तब उनकी पहली काव्य संग्रह जिसका नाम एन इवनिंग वॉक था वह प्रकाशित हुई। ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ एस टी कॉलरेज, वह एस टी कॉलरेज के मित्र बन गए। एंड इन कैलेबोरेशन विद हिम रोड द लिरिकल बल्लाड्स 1798, और उनके साथ साझेदारी में इन्होंने 1798 में लिरिकल बल्लाड्स लिखे। वर्ड्सवर्थ पोएटिकल करियर वॉज अ लॉन्ग वन, वर्ड्सवर्थ का पोएटिक करियर काफ़ी लंबा रहा। एंड ही कंपोज अ लार्ज नंबर ऑफ पोइम्स, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखीं। ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर एंड अ सिंसियर लवर ऑफ नेचर, एडमायरर प्रशंसक, वह प्रकृति के एक बहुत बड़े प्रशंसक और गंभीर प्रेमी थे। नेचर फॉर हिम वॉज गाइड गार्जियन एंड सोल ऑफ हिज मॉरल बीइंग, और प्रकृति उनके लिए गाइड, निर्देशक, गार्जियन, उनकी अभिभावक, एंड सोल ऑफ हिज मॉरल बीइंग, और उनकी आत्मा के लिए नैतिकता प्रदान करने वाली थी। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, वह प्रकृति के पुजारी थे। ही कंपोज पोएम्स ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं पर कविताएं लिखीं। टू द कुकू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, टू द कुकू वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध सुंदर कविताओं में से एक है। ही वेलकम्स द वर्ल्ड एज अ ब्लिदे न्यूकमर एज इट्स सॉन्ग कैप्टिवेट्स एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय, और इस कविता में कवि कोयल का नव आगंतुक के रूप में स्वागत करते हैं क्योंकि कोयल का गीत उन्हें अच्छा लगता है और वह उन्हें उच्च दर्जे के आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है। चलिए, ये जो हमने अब तक पढ़ा, ये सारी की सारी बातें जो कही गई, ये बातें टू द कुकू, ये जो हमारी पोएम है, ये पोएम एक विदेशी पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट, प्रकृतिवादी कवि माना जाता है। जैसे कि हिंदी में आपने नाम सुना होगा सुमित्रा नंदन पंत का, प्रकृति का सुकुमार कवि, उसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ को अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में
नेचर पोइट माना जाता है, ये प्रकृति के बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो रचनाएं प्रकृति और प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उन्हीं को लेकर की हुई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, उनकी जन्म के बारे में, उनका जन्म जैसा कि बताया गया हमें कि उनका जन्म 1770 में हुआ था और 1850 में उनकी डेथ हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की हुई थी। एक बड़े लेखक और कवि हैं एचटी कॉलरेज, उनके साथ उनकी मित्रता हुई और उनके साथ उन्होंने एक दो रचनाएं भी की थीं। ये जो प्रस्तुत कविता है जिसका नाम है टू द कुको, इस कविता में कवि कोयल को प्रसन्न नव आगंतुक कहकर संबोधित करता है और कोयल का जो गीत है वह कवि को बड़ा आनंदित करता है। कवि बड़ा प्रसन्न महसूस करता है कोयल के इस गीत को सुनकर। चलिए अब हम पोएम के पहले स्टेंजा को, शुरुआत की चार लाइनों को उठाते हैं, गौर करिएगा आप लोग। ओ ब्लिदे न्यू कमर, ब्लिदे माने प्रसन्न, हैप्पी, न्यू कमर नव आगंतुक। ओ ब्लिदे न्यू कमर, अरे प्रसन्न नव आगंतुक, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हियर दी पुरानी अंग्रेजी का वर्ड है, इसका अर्थ है तुझे, मैंने तुझे सुना है, तुझे का मतलब किससे है, कोयल से, एंड रिजॉइस और आनंद लिया है, ओ कुकू, अरे कोयल, शैल आई कॉल दी वर्ड, क्या मैं तुझे एक पक्षी कहूँ, बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, और या फिर मैं तुझे वॉन्डरिंग, वॉन्डर माने भटकना, या मैं तुझे एक भटकती हुई आवाज कहूं। ये वर्ड टू वर्ड अर्थ किया, अभी हम इसके तीन राउंड में अर्थ और करेंगे। आपके पास जिनके पास बुक्स हैं वो जल्दी से पीछे आ जाएं और पीछे वोकैब में तीन वर्ड्स दिए हैं उनको यहीं पर मैं आपको क्लियर करा दूं। गौर करिएगा, सबसे पहले दिया है ब्लिदे, जो मेरी पहली लाइन में आया था, ब्लिदे का मतलब है हैप्पी, प्रसन्न। अगला वर्ड है रिजॉइस, रिजॉइस का अर्थ है टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु या चीज के बारे में बड़ी प्रसन्नता प्रकट करना, आनंदित महसूस होना। अगला है वंडर, वंडर का अर्थ है टू वॉक स्लोली अराउंड और टू अ प्लेस, धीमे धीमे किसी स्थान के आसपास चलना या टहलना, ऑफन विदाउट एनी पर्टिकुलर सेंस, अक्सर बिना किसी मतलब के, और सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा के। ये हमारे तीन वर्ड्स आए। अब चलिए मैं पोएम को जल्दी से क्लियर करूँ आपको। देखें, ओ ब्लिदे न्यू कमर, विलियम वर्ड्सवर्थ कोयल को देखकर, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ ब्लिदे न्यू कमर, ब्लिदे माने प्रसन्न, हैप्पी, न्यू माने नया, कम माने आना और कमर माने आने वाला हुआ, तो न्यू कमर जो नया आया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट में या फिल्म लाइन में कुछ लोग जो पहला मैच खेल रहे हैं, या वो व्यक्ति जो फिल्म लाइन में पहली मूवी में आ रहा है उसे हम डेब्यू कह देते हैं उधर, लेकिन एक्चुअली वो है कौन, न्यू कमर। और शुद्ध हिंदी में न्यू कमर को मैं कहूँ तो नव आने वाला आगंतुक, नव आगंतुक। तो यहाँ कोयल को विलियम वर्ड्सवर्थ संबोधित करते हैं ब्लिदे न्यू कमर कहकर, अरे प्रसन्न नव आगंतुक। प्रसन्न, कोयल गीत गाती है तो उसके गीत को सुनकर लगता है कि ये प्रसन्न है। नव आगंतुक, इस मौसम में कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट टाइम कोयल की आवाज़ को सुना है तो उनके लिए ये नव आगंतुक है। अरे नव आगंतुक, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हियर दी, मैंने तुझे सुना है, एंड रिजॉइस, और मैंने आनंद महसूस किया। देखा था पीछे तो रिजॉइस का मीनिंग क्या था, जिनके पास बुक है वो एक बार पलट कर फिर से देख लें।
ताकि ये क्लियर हो जाए। रिजॉइस का मतलब था टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बड़ा आनंदित होना, बड़ा प्रसन्न होना। तो यहाँ कोयल के जो गीत की आवाज़ है वो कवि विलियम वर्ड्सवर्थ को बड़ा आनंदित करती है, तो इसीलिए वो रिजॉइस वर्ड का यूज कर रहे हैं। आई हियर दी, मैंने तुझे सुना है, एंड रिजॉइस और आनंद लिया है। ओ कुकू, अरे कोयल, क्या मैं तुझे पक्षी कहूँ, और व्हाट अ वंडरिंग वॉइस, या तुझे मैं भटकती हुई आवाज़ कहूँ। यहाँ पर वंडरिंग वॉइस और वर्ड, कोयल एक पक्षी है ये आप और हम सब सारे लोग जानते हैं, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ एक दूसरे तरीके से उस कुकू को लेकर चल रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का तरीका क्या है, किस नज़र से देख रहे हैं। वंडरिंग वॉइस, वंडर का अर्थ है निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर धीमे धीमे टहलना या घूमना या चक्कर काटना। तो कोयल जो है उसको वो वंडरिंग वॉइस, भटकती हुई आवाज़ कहते हैं, क्योंकि जो कोयल है वो आमतौर पर सुनाई तो पड़ जाती है कहीं दूर दराज देहात में, गाँव में या किसी जंगल में, लेकिन आमतौर पर दिखाई नहीं पड़ती। कभी उसकी आवाज़ पास से आती है तो कभी दूर से आती है, कभी इस पेड़ से तो कभी उस पेड़ से। इसीलिए पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कोयल को एक वॉन्डरिंग वॉइस, भटकती हुई आवाज़ कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा वो भटकती हुई आत्मा होती है, वैसे ही ये भटकती हुई आवाज़। तो कहते हैं, क्या मैं तुझे पक्षी कहूँ, क्योंकि पक्षी है तो तू दिखता क्यों नहीं है मुझे, केवल आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसीलिए उसको वॉन्डरिंग वॉइस, भटकती हुई आवाज़ कहा गया है। चलिए आपसे भी मैं अर्थ कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज हम इस पर प्रयोग करके देख रहे हैं, तो कल से आप लोगों के भी कॉल्स अटेंड करूंगा मैं दूसरे मोबाइल को रखकर। एक बार फिर से इन चारों लाइनों को बोल दूं मैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। होमवर्क के रूप में आप या तो मुझे इसको हिंदी में लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, और या फिर आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसे सुन लूँगा और चेक हो जाएगा कि आपको क्लियर हो गया क्या। दोबारा से चारों लाइनों को एक बार फिर से सुना दूं फाइनली आपको, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ओ ब्लिदेन न्यू कमर, अरे प्रसन्न नव आगंतुक, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हियर दी, मैंने तुझे सुना है, एंड रिजॉइस और आनंद लिया है। ओ कुकू, अरे कोयल, शैल आई कॉल दी वर्ड, क्या मैं तुझे एक पक्षी कहूँ, और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, और या तुझे मैं एक भटकती हुई आवाज कहूँ। चलिए ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा हुआ, अब हम सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। सेकंड स्टेंजा, इसे आप बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि एक बार ये एक्सट्रैक्ट बनकर हमारे एग्जाम में आ भी चुका है। एक्सट्रैक्ट बनकर कैसे आया और क्या क्वेश्चन आए वो मैं आपको होमवर्क में सेंड करूँगा। While I am lying on the grass, while जब, lying लेटे होना, grass घास, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, thy two fold shout I hear, मैं तेरी two fold दोहरी आवाज को सुनता हूँ, from hill to hill it seems to pass, ये hill माने पहाड़ी, ये इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर जाती हुई प्रतीत होती है। सीम माने लगना या प्रतीत होना, और पास माने गुजरना, ये इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक गुजरती हुई प्रतीत होती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी ये आवाज़ दूर से आती है तो कभी पास से आती है। चलिए मैं इसका भावार्थ क्लियर करूं ताकि आपको ये लाइनें क्लियर हो सकें। विलियम वर्ड्सवर्थ दूसरे स्टेंजा में कहते हैं कि जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, कोई लंबा चौड़ा घास का मैदान, वहाँ पर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ लेटे हुए हैं, क्योंकि इन्हें प्रकृति दर्शन, प्रकृति को देखना बड़ा पसंद है, प्रकृति की गोद में उस हरियाली में रहना अच्छा लगता है इन्हें। तो कहते हैं कि जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, थाई टू फोल्ड साउट आई हियर, मैं तेरी टू फोल्ड साउट दोहरी आवाज को
सुनता हूँ। टू फोल्ड साउट का मतलब आवाज का रिटर्न होकर आना, उसका गूंजना, दोहराना। जैसे कि आमतौर पर हम बात करें, ये पहाड़ी की बात करने वाले हैं आगे जाकर, पहाड़ी पर जब आप आवाज़ लगाएं तो वो इको होगी और आवाज़ पहाड़ी से टकराकर वापस लौट कर आएगी। तो वो जो साउंड है उसे यहाँ पर इन्होंने टू फोल्ड साउंड या टू फोल्ड वॉइस कहा हुआ है। थाई टू फोल्ड साउट आई हियर, मैं तेरी दोहरी आवाज़ को सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल, ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक सीम्स टू पास, गुजरती हुई प्रतीत होती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी ये आवाज़ दूर से आती है तो कभी ये आवाज़ पास से आती है। देखिए इस स्टेजा में ये चीज़ें फील करनी होंगी। नेचर पोएम है और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो दुनिया के बड़े उच्च दर्जे के कवि माने जाते हैं, तो इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो साधारण बातें नहीं हैं। उन बातों को समझने के लिए आपको माइंड मैप बनाना होगा। तो ये बताते हैं कि जब मैं घास के मैदान पर, घास के ऊपर लेटा होता हूँ, तो उस समय लेटे हुए इन्हें कहीं से कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ी, टू फोल्ड दोहरी आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, प्राकृतिक दृश्य किसी हिल स्टेशन जैसा। कभी तो ये आवाज़ इनको फील होता है कि इस पहाड़ी से आ रही है, कभी फील होता है इन्हें कि ये आवाज़ उस पहाड़ी से आ रही है। तो ये आवाज़ कभी इस पहाड़ी से तो कभी उस पहाड़ी से आती हुई प्रतीत होती है। कभी तो ये आवाज़ दूर से आती हुई लगती है और कभी ये आवाज़ पास से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से सेकंड स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुकु की आवाज़ का और उस दृश्य का वर्णन किया। एक बार फिर से आपको लाइन टू लाइन बता दूं मैं, देखें। While I am lying on the grass, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, थाई टू फोल्ड साउट आई हियर, मैं तेरी दोहरी आवाज़ को सुन सकता हूँ या सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, ये इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाती हुई प्रतीत होती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी ये दूर से तो कभी पास से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा सेकंड स्टेंजा था। अभी आपकी तरफ से आउटपुट नहीं आ पा रहा, वो कल से हम करेंगे काम, दूसरे मोबाइल को रखकर, जहाँ पर आपसे भी मैं अर्थ करवाऊँगा, जैसा कि हम गूगल मीट पर कर रहे थे। चलिए थर्ड स्टेंजा की ओर। दो बैबलिंग ओनली टू द विल, दो यद्यपि बैबलिंग बड़बड़ाना, विल वैली का शॉर्ट फॉर्म है, वैली माने घाटी, वेल बेल माने भी घाटी। दो बैबलिंग ओनली टू द विल, यद्यपि तू सिर्फ घाटी में बड़बड़ाती है। ऑफ सनशाइन धूप में, एंड ऑफ फ्लावर्स और फूलों में, थाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवर्स, और तू मेरे लिए टेल, टेल माने लंबी कथा, और तू मेरे लिए एक लंबी कथा लेकर आती है। ऑफ विजनरी आवर्स, फुर्सत के घंटों में। वैसे विजन का अर्थ देखना होता है, लेकिन यहाँ प्रकृति का दर्शन कर रहा है पोइट हमारा, तो वो फुर्सत के क्षणों में प्रकृति को निहार रहा है, तो ये उसके लिए फुर्सत के क्षण हैं। और आवर्स घंटे या समय। देखें इसकी वॉकब में कुछ है क्या हमारे पास, इसकी वॉकब से कोई भी वर्ड नहीं दिया गया। चलिए इन लाइनों के भावार्थ को हम क्लियर करके चलते हैं। कवि कहता है, दो बैबलिंग ओनली टू द बेल, यद्यपि तू सिर्फ घाटी में बड़बड़ाती है। घाटी, घाटी आप जानते होंगे, जैसे आपने सुना होगा जहां हम रहते हैं इस एरिया को चंबल घाटी कहते हैं। कई बार चुनाव के टाइम पर आपने रिक्शे वालों को जो माइक रखकर प्रचार करते हैं किसी कैंडिडेट का, तो वो प्रचार करते हुए क्या कहते हैं, चंबल घाटी की गौरवमयी परंपरा के अनुसार।
तो घाटी जो वैली है वो इस प्रकार की रचना है, जिस रचना में तीखी ढलाने होती हैं। तो ये जो तीखी ढलाने हैं ये ढलाने वैली कहलाती हैं, और हमारी जो चंबल घाटी जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर आपने गौर किया होगा जो चंबल के किनारे के गांव हैं वहाँ पर बीहड़ हैं, जिन्हें यहाँ की स्थानीय भाषा में भरेका भी कह दिया जाता है। वो ऊंचे ऊंचे मिट्टी या रेत के टीले और जिन पर बबूल या बेरिया प्रकार की कुछ झाड़ियाँ लगी हुई हैं और फिर नीचे गड्ढा सा आ जाता है। तो वो तो कहता है पोएट, यद्यपि तू घाटी में बड़बड़ाती है, बेबले एक छोटा बच्चा जो है जो अभी बोल नहीं पाता, जो तकरीबन 5-6 महीने का है, बोलना सीख रहा है, तो वो मुंह से कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है, तो उन अस्पष्ट ध्वनियों को बेबलिंग कहा जाता है। यद्यपि तू घाटी में बड़बड़ाती है, ऑफ सनसाइन, सनसाइन यानी धूप में, एंड ऑफ फ्लावर्स और फूलों पर, यानी पता ही नहीं चलता, कभी तो धूप में आ जाती है, कभी उधर छाँव में पेड़ों पर चली जाती है। Thou bringest unto me a tale, और तू मेरे लिए एक लंबी कथा लेकर आती है। इस बात का भावार्थ, यहाँ पर वर्ड टू वर्ड अर्थ से काम नहीं चलना है, हमें पोइट कहना क्या चाह रहा है उस ओर जाना होगा। और तू मेरे लिए इन फुर्सत के घंटों में एक लंबी कथा लेकर आती है, यानी पोइट बड़े आराम से घास पर लेटा हुआ है, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और उन पहाड़ियों में, जैसे ये तो हो गई पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों में ये हो गई घाटियाँ, यहाँ कहीं ये घास का मैदान है, इस घास के मैदान में पोइट लेटा हुआ है, और यहाँ से कहीं से इस पहाड़ी से या इस पहाड़ी से यहाँ पर कुछ वनस्पति पेड़ पौधे भी होंगे, तो यहाँ पर कहीं कोयल गीत गा रही है और उसके गीत की आवाज़ पोइट तक आ रही है। तो कवि के लिए ये आनंद का क्षण है, ये फुर्सत के घंटे हैं, तो ये फुर्सत के घंटे में कोयल का जो गीत है वो कवि के लिए एक लंबी कथा, टेल, एक लॉन्ग स्टोरी की तरह है। तो तू फुर्सत के घंटों में मेरे लिए एक लंबी कथा लेकर आती है, अर्थात कवि को ये कोयल का गीत किसी लंबी कथा की भांति बड़ा रोचक और सुंदर प्रतीत होता है। फटाफट से आज जो तीनों स्टेंजाज मैंने पढ़ाई, इन तीनों स्टेंजा को मैं समराइज करा दूं, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए ग्रुप में तैयार रहिएगा, हल्का सा हम डिस्कशन करेंगे ताकि हम कल की रूपरेखा बना पाएं कि हमें कैसे और क्या करना है। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ग्रुप में तैयार रहिएगा, एक बार जल्दी से मैं तीनों स्टेंजाज को समराइज करा दूं, फिर आप मुझे होमवर्क में कल रात तक या फिर कल सुबह जब भी आपको सुविधा हो भेज दीजिएगा। ओ ब्लिदे न्यूकमर, अरे प्रसन्न नव आगंतुक, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हियर दी, मैंने तुझे सुना है, एंड रिजॉइस, और मैंने आनंद का अनुभव किया है। ओ कुकू, अरे कोयल, शैल आई कॉल दी वर्ल्ड, क्या मैं तुझे पक्षी कहूँ, और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या तुझे मैं एक भटकती हुई आवाज कहूँ। सेकेंड स्टेंजा, व्हाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, थाई टू फोल्ड साउट आई हियर, मैं तेरी दोहरी आवाज को सुनता हूँ, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, ये आवाज एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाती हुई प्रतीत होती है, एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी तो ये दूर से आती हुई प्रतीत होती है और कभी पास से आती हुई लगती है। दो बैबलिंग ओनली टू द विंड, तू यद्यपि केवल घाटी में बड़बड़ाती है, ऑफ सनसाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, धूप में और फूलों पर, थाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवर्स, और तू मेरे लिए फुर्सत के घंटों में एक लंबी कथा लेकर आती है, अर्थात तेरा ये गीत, तेरी ये आवाज़ मेरे लिए एक लंबी कथा की तरह होती है, जिसे मैं इस घास पर लेटा लेटा घंटों घंटों तक सुनता रहता हूँ, जैसे कि कोई रोचक कथा को व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक सुनता है फुर्सत के समय, उसी प्रकार से हे कोयल, मैं तुझे
सुनता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हुआ, फर्स्ट पेज के 3 स्टैंजास हुए। अब जल्दी से चलते चलते एक काम और करवा लूँ आपसे मैं, यहाँ से जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि स्टैंजास आते हैं, तो उस स्टैंजा को मैं लेकर आऊँ और देखें। हाँ, 2016 में ये स्टैंजा हमारे यहाँ पर आया हुआ था। कब आया था? 2016 में। आपको मैं ये अनसोल्ड पेपर्स दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ताकि आपका माइंड भी क्लियर होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कब कहाँ और कैसे करना है। कवर चढ़ा हुआ है, इस पर शायद आपको दिख ना पाए लेकिन समझ आ रहा होगा, अतुल अनसोल्ड पेपर्स, और इसमें हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th, इसमें लास्ट ईयर के सारे पेपर्स का कलेक्शन आता है। जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो आप सारे लोग इन चीज़ों को लेंगे और हम इनको तैयार करेंगे। ये मेरे सामने पेपर है, ये इंग्लिश स्पेशल का, देखिए इंग्लिश स्पेशल 2016 का पेपर है। ये सेक्शन ए में रीडिंग में अनसीन है, और फिर सेकंड क्वेश्चन में भी अनसीन है, थर्ड क्वेश्चन में भी एक अनसीन है, सेक्शन बी आ गया, वहाँ पर राइटिंग सेक्शन है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कहाँ कैसे क्या करना है। अब तो मैं जल्दी से इस पर आ जाऊँ, ये लाइन है, आप अपने सेकंड स्टेंजा को देखें और स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, गौर करिएगा। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, क्या लिखा है क्वेश्चन ऊपर, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस, इस पोइम के एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और क्वेश्चंस के आंसर दें। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पर लेटा होता हूँ, थाई टू फोल्ड आउट आई हियर, मैं तेरी दोहरी आवाज़ को सुनता हूँ, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, ये आवाज़ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाती हुई प्रतीत होती है, एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी ये आवाज़ दूर से आती है तो कभी पास से आती है। अब फटाफट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, हु इज लाइंग ऑन द ग्रास, चार ऑप्शन दिए हैं, कुकू लेटी है घास पर, पैरट तोता लेटा हुआ है, पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ लेटे हुए हैं, और रैबिट एक खरगोश लेटा हुआ है। मजाकिया सा क्वेश्चन है, आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। अगला, नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम, इस कविता के कवि का नाम, जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो ही चुका है आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम काउपर और विलियम वर्ड्सवर्थ, तो मुझे लगता है आंसर आपको क्लियर होगा। और अगला, व्हाट डज द पोइट हियर, कवि क्या सुनता है, और व्हाट इज ही डूइंग व्हेन ही हियर्स दैट, और जब वह इसे सुनता है तब वह क्या कर रहा है, व्हाट डज द पोइट हियर, कवि क्या सुनता है, तो कवि क्या सुनता है, द वॉइस ऑफ कुकू या द सॉन्ग ऑफ कुकू, कोयल की आवाज को सुनता है या कोयल के गीत को सुनता है। और अगला क्वेश्चन बता है, व्हाट इज ही डूइंग व्हेन ही हियर्स दैट, जब कभी उस कोयल के गीत को सुनता है उस टाइम पर वो कर क्या रहा है, तो क्या कर रहा था वो उस टाइम पर, ही इज लाइंग ऑन द ग्रास, वह घास पर लेटा हुआ है। तो इस प्रकार से एक बार दोबारा से आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, देखें इस प्रकार से जब आप देखते हैं इसे तो आप गौर करिएगा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है 1 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के रूप में है वो भी 1 मार्क का है, तो 2 मार्क्स हो गए। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो आपको रिटर्न फॉर्म में देना है और वहाँ पर वर्ड लिमिट कम से कम 30 के आसपास रखनी है हमें, और इसका आंसर जब लिखेंगे तो 2 या 3 लाइन का आंसर हो जाएगा, और ये है आपका 2 मार्क्स का। तो ओवरऑल ये जो एक्सट्रैक्ट है वो हो जाता है 4 मार्क्स का, और इस तरह के 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं। ये आपको मैं 2016 का पेपर दिखा रहा हूँ, जिसमें से हमने एक्सट्रैक्ट की 4 लाइनें पढ़ ली और उसके 3 क्वेश्चंस पर बात कर ली। अब उसके बाद देखो अगला वाला क्वेश्चन है, ये हमारी पोइम नंबर 9 है, इफ, उस इफ पोइम से ये लाइनें आई हैं और ऐसे ही इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट्स
कहते हैं। ओके, आप लोग ग्रुप पर मुझे तत्काल तैयार मिलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।